आपकी धाक नहीं बनती। आज भी तुझ में इतनी हिम्मत कि तू किसी की हार पे बात करेगा रमेश? मैं भूल भुलैया गया था यार, ऐसे ब्रिलियंट, इतना बड़ा टैलेंट है ना ये दोनों, माशाल्लाह। कैरेक्टर से कभी बाहर नहीं निकल पाती मैं, जो फिल्म कर लेती हूँ बस आज वही होता है। कैरेक्टर से तो नहीं निकलता, इधर हमारा जान निकलने वाला। अच्छा खान साहब, डोंट टच मी। ओके खान साहब, देखिए आप ऑफेंड ना हो, आप हमारे सवाल का जवाब दे दें। मैं सवाल का, रमीज भाई मैं आपके आप मेरे नहीं, मैं आप मेरे आइडिया ले, मैं आपको पाल कर रहा हूँ और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। प्लेट में रख के मैच दिया था ये मैच प्लेट में रखा था और चिच्ची बच्चों वाली हरकत किए गिरा दिया। तो क्या मशवरा देंगे अफगान टीम को? मशवरा यही देगा जो भाईजान बोल रहे हैं, अमल करो रमीज भाई के बात पे। क्या बोला इन्होंने? जो भी बोला उन्होंने सुना है। मेवे खाए, मेवे मेवे खाए, जान बनाए, फिर नेट प्रैक्टिस करो। बड़ा सा समंदर हो उसमें जाओ, बीच में एक को बोलो यूं जाल पेके, फेंकेगा उसमें पसो और मरमेड बन के निकलो। ये क्या नेट प्रैक्टिस? मार को ये पता है नेट प्रैक्टिस, ये जान बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आप देश देश। इरफान भाई, मरमेड कहां से आ गए? इरफान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आपके। मैं भी आपका बहुत। मैं इरफान भाई आपके शो बहुत देखे हैं, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। तीसरा इसमें इजाफा हो सकते हैं एज अ एक्सपर्ट, अगर आप लोग मुझे वो खाली जगह पे बैठा तो मैं कहता हूँ मैं चाय बनाकर आपको गरम गरम पिलाता हूँ। खान साहब आपने सबकी तारीफ की है, आपको शो में मैं नहीं नजर आ रही। आपकी तो क्या बात है, आपके लिए एक शेर आ रहा है। इरशाद इरशाद असल में हम शेर नहीं हैं। ये तो खान साहब आपने बदला ही नहीं, ये तो आदमखोर शेर था भाई। नहीं हम कभी ये आदमखोर नहीं होते। देखिए क्रिकेट मैच है, मैं क्यों खेला हूँ आप बोल रहे हो ना, इतना मैदान सजा के बैठा है। हाँ जी। अमार को क्यों जहर लगता है? क्यों? क्योंकि 11 बंदे होते हैं, 11वें का नंबर ही नहीं आते। और 11 ही बंदे होते हैं और एक ही बॉल के पीछे भाग रहे होते, पागल होते हैं। वैसे अफगानिस्तान जीतना शुरू कर देगी फिर आपको जहर नहीं लगेगी भाईजान, अगर जीतना शुरू करेगा ना हम अर चक्के पे एक पैर निकालेगा डाजा। अच्छा विद्या जी, वैसे माजत के साथ आपने ऑफेंड नहीं होना, आपने वजन बढ़ाया था डर्टी पिक्चर के लिए, उसके बाद फिर आप रिड्यूस नहीं कर पाई अपना वेट, क्या वजह है? देखो सबसे पहले तो तुम अपनी माजरत अपने पास रखो, जब तुमने सवाल कर ही दिया तो बेशर्म तो तुम हो गए। और दूसरी वो फिल्म आज भी लोग, रमीज तुम्हें तो वो याद होगी। हाँ। देखिए उसने तो डर्टी फिल्म देख। थैंक यू। तो जब एक हीरोइन किचन में जाना नहीं छोड़ेगी, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी है लेकिन किचन में जाना नहीं छोड़ेगी, तुम्हें पता है जब मैं किचन में जाती हूँ तो किचन के भी अपने ही लफंडरे हैं, मतलब जब मैं किचन में जाती हूँ तो खान साहब कुकर मुझे देख के सीटियाँ बजाने लगता है। अच्छा, आप खूबसूरत भी तो रोटियां, मेरा नाम कुकर है। रोटियां मुझे देख के जलने लगती हैं। सॉरी क्या कहा आपने? तो अगर आपका खाना पसंद ना आए तो फिर आप भूल भुलैया वाला लहजा अपनाती हैं किचन से अपने लव्ड वंस के लिए? नहीं, तुमने कहा तुम हर डर्टी पिक्चर देखते हो, मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है आई थिंक उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ऐसे फैमिली चैनल्स होते हैं वहाँ पे, यू नो, तो मैं बात कर रही थी मैं किचन में जाती हूँ तो ये भी फैमिली चैनल ही है विद्या जी। अच्छा, ये जी, जी। ओके। तो बस चाय और दूध ही ऐसे हैं कि अगर उन्हें मैं 2 मिनट गैस पे रख के कहीं बाहर चली जाती हूँ तो वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं पतीली से। तो बस यही मेरी किचन की कुछ कहानी है, इसलिए मेरा लो भाई हमने देखा था, एक होता था बोलते आज तो बताएंगे शहर में क्या है, ये पहली बार सुन रहा हूँ, बोलता चाय और बोलता बिस्किट, इतना लंबा चौड़ा। अच्छा हिस्ट्री रही है वैसे विद्या जी के, तमाम इंडियन जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन रही है, तो आपके फेवरेट कौन है वैसे?
मेरे फेवरेट यहीं बैठे हैं सेट पे. ओह माय गॉड, आपकी बात कर रही हैं. नहीं करो रवि सर ऐसे, आप मेरे लिए इतना सेट कॉर्नर रखते हैं, मेरे को पता ही नहीं चला. या खुदा है, मुझे पता क्यों नहीं चला. आप खान साहब की बात कोई रिस्पांस तो दो लश. कोई रिस्पांस तो दे. विद्या का कहना है कि टीवी चैनल्स या शोज जो हैं वो सिर्फ तीन चीजों से चलते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. तो अगर खान साहब मेरी एंटरटेनमेंट से खुश हो गए हैं तो और क्या कहना. खान साहब जैसे आपको ठीक लगे. नहीं, आप पे एक शेर आ रहा है, नाम है आपका विद्या बालन. थैंक यू. नाम है आपका विद्या बालन. फ्रिज में नहीं रखो तो खराब हो जाता है सालन. अरे वाह. जैसा खान साहब को पाए सुना था वैसा ही. नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मैं सेल्फ सेंसर करता हूँ. दूसरा ये, आप कभी आओ ना, आपको पुलाव खिलाए. काबली पुलाव. हाँ, काबली पुलाव. आप आपने कहा है वो. हाँ, मैंने कहा. रमेश भाई आपने, रमेश भाई आपने सही बताओ, साबुत सालम बकरा का है. वो तो कोई शेर ही खा सकता है. रहमान साहब ने कहा है. बाकी हाँ यूं खत्म हो जाता है भाई, नहीं छोड़ते. लेकिन खुश खुराक होना बहुत अच्छी बात है. विद्या आपके लिए मैं बकरा लाऊं, ऊंट लाऊं, क्या लाऊं, पिज्जा बकरे का. मुझे पहले ही दुनिया कह रही है कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ. रमेश, मैं मोटी लगती हूँ अभी जी. थैंक यू. आपकी इस जी में भी मेरे लिए तारीफ छुपी है, मैं देख सकती हूँ. बिल्कुल. खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा.